हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे। आप लोगों का एक क्वेश्चन है जिसका मैं आज आंसर देना चाहता हूँ इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, और बात करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत आइडियोज के बारे में अगेन, एंड बात करना चाहता हूँ SIP स्ट्रेटजी की। और जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट वो है काफी लोगों का कि USDT जो है वो काफी इनसिक्योर लगता है लोगों को कई बार, बिकॉज उसके ऊपर काफी सारे SEC के इश्यूज रह रहे हैं। USDT अनलिमिटेड प्रिंट होते हैं और कहा जाता है कि अगर BTC क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे बड़ा कोई झटका लगेगा तो वो शायद USDT का कोई बहुत बड़ा फंड होगा, उसी के ऊपर लग सकता है। तो कैसे हम अपने फंड को सिक्योर रखें, कैसे हम अपने फंड को बचा कर रखें, कौन सी क्रिप्टो करेंसी, कौन से स्टेबल कॉइन में अपने फंड को लगाएं, तो आंसर देने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो उसको जरूर ऐड ऑन करिए इस वीडियो के अंदर कि आप क्या सोचते हो। तो मैं अगर बात करूं USDT के लिए, तो USDT के लिए सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं स्टेबल, अगर मैं बात करूं जो सेफ साइड पे अगर बात करें तो वो है डाई कॉइन DAI, जो कि एक स्टेबल कॉइन है जो कि बैकड अप बाय इथेरियम है, जिसको आप अगर हम बात करें वो डिसेंट्रलाइज है टोटली, तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और बैकड अप होने के कारण वो काफी ज्यादा सेफ भी है, और मैं पर्सनली उसको काफी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, रीजन बीइंग वो काफी सेफ स्टेबल कॉइन है। और एक सिंपल सी स्ट्रेटजी को मैं आपको कहूंगा, रिकमेंड करूंगा स्टेबल कॉइन्स के अंदर अगर आप रखते हो अपने फंड को यानी कि USDT में, तो उसको भी आप डाइवर्सिफाई करो, बिकॉज अगर USDT का कुछ फंड आया तो कुछ फंड हमारे पास USDC में हो, कुछ फंड हमारे पास शायद BUSD के अंदर हो, कुछ फंड हमारे पास डाई कॉइन के अंदर हो, एक ही स्टेबल कॉइन के अंदर भी हमारा फंड ना पड़ा हुआ हो, ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन सिंगल बास्केट, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप स्टेबल कॉइन्स को भी डिफरेंट चूज करो। यस, आप लोग कहेंगे $1 ही रहते हैं सारे के सारे कॉइन, फिर क्यों करें, तो दिस इज ओनली फॉर सेफ्टी, क्योंकि अगर कोई USDT का फंड आया आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद या 5 साल बाद, डज नॉट मैटर, नो वन नोज, तो हम सेफ्टी के ऊपर हर वक्त खड़े होंगे अपने फंड के साथ। दूसरी हम बात कर लेते हैं आइडियोज की, तो आइडियोज के आप लोग देख रहे होंगे जो हमने कहा है, जिस स्टडी में हम वर्क कर रहे हैं, इट इज वर्किंग वंडर्स, इट इज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी फॉर ऑल द पीपल जो कि उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। कल कॉइन लिस्ट हुआ था थेटन अरीना ने एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी को यूज करते हुए 60% का प्रॉफिट दिखाया। क्रॉनिकल जो कि मैं काफी टाइम से बता रहा था आपको, डाओ मेकर का प्रोजेक्ट है, इट विल डू गुड, एंड अगेन वो $1 के आसपास, $0.90 के आसपास स्टेबल हुआ, और उसके बाद उसने अभी 1.50 की हाइक दिखा दी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में $2 भी दिखा दे, हु नोस, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको जाके बाय करो, लेकिन मैंने तो स्ट्रेटजी बोली है उसके ऊपर अगर आप फोकस के साथ अगर आप उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो पैसा बनना बहुत इजी हो जाएगा। एंड आई एम ऑलवेज सेइंग हमें BTC बनाने से मतलब है, अगर आप देखोगे अभी हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए थे चीट शीट के ऊपर बताए थे, अगर हमने एक बिटकॉइन CDD जैसे कॉइन के ऊपर लगाया जहां पे 45 सतोशी बताया शायद CDD, आज 180 गया, यानी कि 4x, यानी कि आपका एक बिटकॉइन 4 बिटकॉइन बन गया, और उसके बाद जो बिटकॉइन का एप्रिसिएशन हुआ दैट इज ऑल योर मोर बेनिफिट। तो दैट इज वाई मैं फोकस कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइन के ऊपर फिलहाल, जब तक मार्केट का ट्रेंड आपके साथ है, ट्रेंड को बना लो दोस्त और पैसा कमाते जाओ उसके साथ, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आईडियो की स्ट्रेटजी की, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान दो उसके ऊपर, अभी ट्रेंड चल रहा है मार्केट। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो हमारे को बात करनी है SIP स्ट्रेटजी की, तो SIP जो स्ट्रेटजी है उसको भी अप्लाई, उसके ऊपर मैं एक पूरी फुल वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए बहुत जल्दी। अभी मैं SIP को फिलहाल अभी भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्वाइंस काफी ऊपर है, हमारे को SIP को कब अप्लाई करना स्टार्ट करना है, जब क्वाइन नीचे जाना शुरू हो जाए, जब बेरिश मार्केट शुरू हो जाए, तब हम SIP को दोबारा से पकड़ेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अगर SIP अभी आप अप्लाई करना शुरू करोगे तो आपकी फर्स्ट एंट्री काफी ऊपर हो सकती है। मैंने काफी सारी आपको SIP के क्वाइंस बताए थे जिन्होंने ऑलरेडी 3x 4x कर लिया है, जो भी हमने SIP के अंदर बाय करे थे लास्ट 6 महीने के अंदर क्वाइंस। हमेशा स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि SIP के अंदर आपको हमेशा एंट्रीज नीचे और नीचे मिलनी चाहिए, जब लोग दूसरे परेशान होंगे कि ये अरे यार ये तो टोकन नीचे गिर गया है तो परेशानी की बात है, आप उस टाइम सबसे हैप्पी होगे, बिकॉज आपको एक और एंट्री मिल रही है उस प्रोजेक्ट में नीचे की, बिकॉज आपका विजन क्लियर है कि 3 साल तक मेरे को उसके ऊपर इन्वेस्ट करता ही रहना है। तो उस तरीके से SIP को अप्लाई करेंगे तो SIP के काफी क्वेश्चन आते हैं, सर SIP की दोबारा वीडियो बनाई जाए, बनाऊंगा बहुत जल्दी बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए SIP के ऊपर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी एंट्रीज काफी ऊपर है, हम एंट्रीज नीचे लेने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर। अभी पैसा बनाने का मौका है ऑल्ट कॉइन के अंदर आइडियोज के थ्रू, तो उसको बहुत ज्यादा पैसा बनाया जाए, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए और गिवअवेज में लेके आऊंगा आइडियोज के अंदर, और बहुत जल्दी आप लोगों को और भी 5-6 हाइप्ड आइडियोज बताने वाला हूँ। नजर रखना, पैसा बनाने का मौका बार बार मिल रहा है, अपना पैसा अपने घर, और उसके बाद राइड करो प्रॉफिट के साथ, दैट इज हाउ यू शुड डू इट। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि YouTube को भी पता चले कि हमारी वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हैं। अपने लाइक्स के साथ आप मेरे को भी मोटिवेट करो कि यस यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी विद अस,
एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू अगेन एंड अगेन फॉर दैट. थैंक्स, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन.